वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और आज हमारा ब्लॉग बनने जा रहा है निम्मू आंटी की किटी पार्टी का, जो कि इंडियन स्पाइस में है। और आप लोग इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी। फ्रेंड से मिलिए, ये है हमारी निम्मू मैम, और आज इनकी किटी है। तो बताइए निम्मू मैम, आज आपकी किटी ओपन हुई है और आज आपने किटी की पार्टी देनी है, तो आपने क्या क्या इंतजाम किया हुआ है हमारी किटी गर्ल्स के लिए? हेलो गाइस, तो आज मेरी किटी निकली हुई है। आज मैं किटी दे रही हूँ इंडियन स्पेस पे, बहुत अच्छा फ्रेंडली रेस्टोरेंट है, आप लोग भी आइए यहाँ पे। तो अभी मैं मेन्यू देख रही हूँ, किटी हमारी आ चुकी है, कुछ अभी आने बाकी है, बेस्ट का वेट कर रहे हैं। एक तो नहीं पहुँची है और एक फ्राइडे में पहुँच गई है, उनका अभी हम वेलकम करेंगे। पूरा ब्लॉग देखे प्लीज, कि आज का जो है गेम भी काफ़ी स्पेशल है, किस तरह से हम गेम खेलते हैं, किस तरह से हम तंबोला खेलते हैं, किस तरह से हम विनर्स को जो है गिफ्ट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस ब्लॉग पे। तो ब्लॉग में जो है लास्ट तक बनी रहिए। किटी का वेन्यू रखा हुआ है इन्होंने इंडियन स्पाइस फैमिली रेस्टोरेंट, और बहुत शानदार रेस्टोरेंट है ये। निम्मू मैम, आज आपकी है किटी, और आज मैं आपको आंटी बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। आंटी मत बोलना, आज धमाल होना चाहिए, क्योंकि आज निम्मू मैम की किटी है भाई, आज तो धमाल होना चाहिए बिल्कुल। निम्मू जहाँ पे हुआ धमाल, ये कैसे हो सकता है? वही तो। वेलकम टू इंडिया। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हैं हमारी किटी गर्ल्स वेन्यू पे, और आज हमारा ड्रेस कोड प्लेन साड़ी विथ बेल्ट। तो आप नोटिस कर सकते हैं हमारी सारी किटी गर्ल्स ने लगभग प्लेन साड़ी विथ बेल्ट यूज़ किया हुआ है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा हमारी किटी गर्ल्स कैसी लग रही हैं प्लेन साड़ी विथ बेल्ट के साथ। आज हमारी कुछ किटी गर्ल्स मिस हैं, क्योंकि उनके घर पर खास शादियाँ होने के कारण वो आज हमारी किटी पार्टी पर नहीं आ पाई हैं। हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नेक्स्ट किटी में आप लोग उनको हमारे साथ देख सकते हैं। आज जो किटी गर्ल्स आई हुई हैं, उन सबका इंट्रो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बार हमने उनका इंट्रो करवाया हुआ था। हम सब साथ मिलके खूब इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और खूब मस्ती करेंगे, अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे, अच्छे अच्छे प्राइज जीतेंगे और अच्छा अच्छा फूड खाएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ इस किटी में बने रहिएगा और इंजॉय करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये है हमारा वेन्यू, और वेन्यू के अंदर का पार्ट देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत है ये। और सबसे खास है यहाँ की बटरफ्लाई। आज हमारी निम्बू मैम की किटी में जो गेस्ट आई हुई है वो रेखा पांडे मैम है, और जो एक चॉकलेट बिजनेस करती हैं, और आज वो हमारे बीच में आई हैं। मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाती हूँ, और मिलना भी चाहिए, ऐसे मिलने के बाद ही हमें पता चलता है लोगों के बारे में, लोगों की सक्सेस के बारे में। तो मैं आप लोगों को आज मिलाना चाहूँगी रेखा पांडे मैडम से, और वो हमारी किटी में एज ए गेस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। सेकंड किटी, ऑर्गेनाइजर है निम्मू मैम, और हमारी गेस्ट अपीयरेंस है मिसेस रेखा पांडे। गिव अ बिग हैंड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हां, निम्मू मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका वेलकम करें प्लीज। एक छोटे से गिफ्ट और सो मच क्लास करें आपके लिए लाने। जैसा कि हमने आपको डिसाइड किया है कि हम जिसकी भी शिपिंग निकलेगी या आपके फैमिली को या आपके फ्रेंड्स को, तो मैंने सोचा कि ऐसी लेडी को इन्वाइट किया जाए जो मैथ में मतलब कुछ कर रही है और सोशल मीडिया की अपनी काफ़ी और अपना बिजनेस भी करती है, तो कैसे ही हमें इनकी जो है लाइफ, हम लाइफ जर्नी जो है थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, ताकि मेरी साथ सारी मैं जो इंस्पायर हो कुछ करें लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, मैंने इन्वाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा चॉकलेट की फैक्ट्री है छोटी सी, मैं 40 फ्लेवर की चॉकलेट अपने घर से बनाती हूँ, और मॉल्स में और ऑनलाइन मेरा इसका बिजनेस है, वहाँ सप्लाई होता है, क्रिएटिव चॉकलेट के नाम से है, और ये मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा, और ऐसा है कि हम बाहर की अदर कंट्री से बनी हुई चॉकलेट ना लेके अपने लोकल की चॉकलेट है, और ब्लैक चॉकलेट लवर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। थैंक यू।
स्टार्ट होने वाला है और हम खेलने वाले हैं तंबोला। और तंबोला गेम आप लोग एंजॉय करेंगे, पता है ना आप लोगों को तंबोला कैसे खेलते हैं। तंबोला की विनर भी आज मैं ही बन गई हूँ और अब ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने गेम को, आप देख सकते हैं। मैम ये तो देखो मैम आप ये मुझे बताइए कि आपने अपनी किटी के पैसों का करा क्या? मुझे आईफोन की जरूरत थी, मैं काफी टेंशन में थी आईफोन की, तो मैं चाहती तो अपनी सैलरी से भी ले सकती हूं। आपस में डिस्कस किया तो फाइनली हमने ये डिसाइड हुआ कि हम 3,000 पर पर्सन जमा कर लिए और ये होल अमाउंट जिसकी किटी निकलती है उसको जाता है। जैसे आज मेरी किटी निकली थी होल अमाउंट मुझे जाएगा और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ये किटी का पैसा है ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करें क्योंकि ये हमारी कमाई का पैसा है। अपनी किटी के लिए मेन्यू दे रही हूँ तो इंडियन स्पेस में काफ़ी अच्छे मेन्यू है, आप स्टार्टर भी इसमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और आप जो कुछ हैवी मील लेना चाहते हैं या फिर जो कोल्ड ड्रिंक या जो इस तरह की जो लिक्विड चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पे वैरायटी है, तो मैं देख रही हूँ अभी किटी से मैं अपनी डिस्कस करूँगी कि वो क्या लेना चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक में और स्टार्टर में क्या लेना चाहती है, तो उनको जो ज़्यादा पसंद रहेगा वो यहाँ पे करूँगी। कैसा लग रहा आप बताओ, टेस्टी हो रहा है? ये खत्म नहीं हुआ है मेरा और आंटी ने मेरे लिए आइसक्रीम मंगाई, मेरी आइसक्रीम गल जाएगी मेरी आइसक्रीम। मैंने आपको फॉलो किया है, आपके ब्लॉग देखे हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग बना रही है, मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं किटी आ गई और आई थिंक मैं ज्वाइन भी करूँगी। आप मेरे लिए आई हो? यस यस सच्ची में थैंक यू। मैंने आपके सारे ब्लॉग देखे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू मैम, लव यू टू। मेरी बन गई मेरी सुमन पाठक के नाम से। अच्छा मैंने देखी भी है, अच्छा सही में थैंक यू। करते रहो और रील्स बनाते रहो, शॉर्ट्स बनाते रहो, मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मेरी आइसक्रीम गल रही है। मजा आ गया, गर्मी वाला एहसास हो रहा है, कल तक बारिश हो रही थी, आज आइसक्रीम देख के गर्मी वाला एहसास हो रहा है।
गाइज अब हमारा न्यू गेम स्टार्ट होने वाला है स्की टोपी उसके सर, आप बहुत इंजॉय करेंगे स्की टोपी उसके सर। ये बहुत कॉमन गेम है, आज बहुत मजेदार। तो हमने एक किटी को हेड नहीं, एक किटी को डेथ किया ना, तो जैसे म्यूजिक बजेगा आपने क्या करना, रुकना नहीं है, म्यूजिक की तरफ ध्यान मत दो ना सीटी की तरफ दो, हम कभी जो है स्टॉप कर सकते हैं। कैसा लगा फिर आज? बहुत बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, प्राइज मिल गया तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। थैंक यू दी। आपको? मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं मिला। क्यों? स्पेशली मैंने जो गेम प्लान होने वाला बहुत अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं अगली जीत गई। अच्छा लगा देख प्राइज मिल के। आंटी की पार्टी कैसी एंजॉय करी आपने? बहुत अच्छा। प्राइज जीत के क्या लेके जाने वाले हो शाम को? अनपैकिंग करके बस स्टेटस में डाल देना, ठीक। मेरे किटी के मेंबर्स हैं ये सब लोग, लग रहे हैं फ्रेंड्स, बताइएगा जरूर कैसी लगी हमारी किटी। आप अपनी किटी एक मिनट में